हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द फेवरेट स्टॉक में। और जो आपने थंबनेल में देखा है, यस वो एकदम सही है। कल के दिन, मतलब मैं बात कर रहा हूँ मंडे की, हर एक इंसान यहाँ पर तकरीबन आप बोल सकते हैं कि 5K से 10K तक इजीली कमा सकता है। और मैं आपको अभी एकदम सिंपल जो इसकी स्ट्रेटेजी है वो बताने वाला हूँ। देखिए, इस कंपनी के बारे में हम सभी को डिटेल में पता है, मैं वो सब बता के आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करूंगा। फंडामेंटली एक स्ट्रॉन्ग कंपनी है, ये हम सभी जानते हैं। तो किस तरीके से कल के दिन हम यहाँ पर 10,000 तक कमा सकते हैं विदाउट एनी रिस्क, वो हम बात करेंगे। और अभी रिसेंटली जो इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है वो भी हम देखेंगे, क्योंकि जिनको ऑलरेडी ये IPO मिला है उनको यहाँ पर कितना प्रॉफिट हो सकता है, वो बातें भी दोस्तों हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको लिए चलता हूँ कि अभी रिसेंट आज के दिन जो है यहाँ पर ग्रे मार्केट प्रीमियम कितना चल रहा है, उससे ही हम पता कर पाएंगे कि यहाँ पर हम ये जो मैं अमाउंट की बात कर रहा हूँ वो कैसे कमा सकते हैं। चलिए दोस्तों, न्यूज के ऊपर चलते हैं। देखिए, न्यूज आपके सामने है और यहाँ पर जो है इन डिटेल में लिखा हुआ है कि यस, कल के दिन तकरीबन आप बोल सकते हैं कि 10 बजे जो है BSE और NSE पर ये स्टॉक लिस्ट होने वाला है। हम सभी जानते हैं कि 9:15 पे मार्केट ओपन होता है, लेकिन जब भी कोई नया IPO आता है तो वो 10 बजे लिस्ट होता है, राइट? यहाँ पे लिखा हुआ है, स्काई द लिमिट IPO इन्वेस्ट ऑफ MTAR टेक्नोलॉजीज विच मेक्स इंजिन फॉर इंडियन रॉकेट, राइट, विल होप दिस कम ट्रू ऑन मंडे एज दे विल बी आइंग हैंडसम लिस्टिंग गेन, ट्रेंड्स आर इन देयर फेवर। देखिए दोस्तों, पहली चीज तो ये कि इनके ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है बहुत ज्यादा हाई है, उसके अलावा जो सिचुएशन है वो भी इनके फेवर में है। तकरीबन 84-86% के यहाँ पर हमको GMP नजर आ रहे हैं, मतलब ग्रे मार्केट प्रीमियम तकरीबन आप मानकर चलो 485-490 के बीच में हमको यहाँ पर जो है इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, ग्रे मार्केट प्रीमियम होता क्या है, देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है, अभय दोषी अ डीलर ऑफ अनलिस्टेड शेयर्स एंड फाउंडर ऑफ Unlisted Arena said the grey market premium, that means GMP, of MTAR technology is stable at 495. Similarly, another dealer, Dinesh Gupta of Unlisted Zone, said the GMP is in the range of 485-490. तकरीबन आप बोल सकते हैं कि यस, एक सा भाव है। अभी आगे की बात क्या है दोस्तों, आगे की बात ये है कि तकरीबन ये जो स्टॉक है वो 1060 से लेके 1070 के बीच में लिस्ट हो सकता है। और मैं आपको एक बात एकदम क्लियर कर देता हूँ कि जब भी ये प्राइस बोलते हैं और अगर सिचुएशन उनके फेवर में हो, जैसे कि हैप्पीएस्ट माइंड की टाइम पर थी, या फिर राउट मोबाइल के टाइम पर थी, या फिर और भी कई सारे एग्जांपल्स हैं, उस टाइम पर ये स्टॉक ना केवल जो ग्रे मार्केट प्रीमियम होता है, जैसे कि यहाँ पर तकरीबन आप बोल सकते हैं कि 80-85% है, उससे ऊपर ही ओपन होता है। मतलब आप ये अंदाजा जरूर लगा सकते हैं कि ये स्टॉक जो है कम से कम 1200 के ऊपर ओपन हो सकता है, कोई भी इसमें बड़ी बात। तो जिन लोगों को ये IPO अलॉट हुआ है उनके तो दोस्तों व्यारे न्यारे हैं, तकरीबन उनके डीमैट अकाउंट में अभी 26 शेयर होंगे, राइट, यहाँ पर उनको डबल से भी ज्यादा मुनाफा होने वाला है। तो तकरीबन मान के चले अगर वो केवल लिस्टिंग गेन लेकर ही निकलना चाहते हैं तो भी उनके इजिली 15,000 तो कहीं नहीं गए, इजिली उनको मिलेंगे ये पैसे। लेकिन बात आती है उन सभी के लिए जिनको ये IPO नहीं मिला है, वो कैसे यहाँ पर पैसे कमा सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जिनको ये IPO मिला है, अगर उनको शॉर्ट टर्म में पैसे चाहिए, मतलब शॉर्ट टर्म के लिए उन्होंने यहाँ पर इन्वेस्टिंग की थी, तो डेफिनेटली वो यहाँ से लिस्टिंग गेन लेकर जा सकते हैं। और जिनका थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का विजन है वो यहाँ पर डेफिनेटली दोस्तों आधे शेयर को सेल कर सकते हैं। मतलब आप इसमें से क्या करें, 13 शेयर को सेल कर दें, प्रॉफिट निकाल लें, राइट, आपका जो आपने यहाँ पर इन्वेस्ट किए थे उससे ज्यादा पैसे ही आपको मिल जाएंगे और बाकी शेयर यहाँ पड़े रहने दें। वैसे भी आपने जो पैसे प्रिंसिपल जो अमाउंट लगाया था 14,000 समथिंग, वो आपको मिल गए, बल्कि उससे ज्यादा मिलेंगे। और बाकी शेयर में आप थोड़ा वेट कर सकते हो और वहां पर आपको हो सकता है कि आने वाले टाइम पर, अभी केवल जो डबल मुनाफा हो रहा है, आने वाले टाइम पर यहाँ पर आपको 3-4 गुना का प्रॉफिट देखने के लिए मिल जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। हमने देखा है कई सारे IPOs में ऐसा हुआ भी है। लेकिन दोस्तों, बात असल है जिनको IPO नहीं मिला है वो कैसे यहाँ पर इजीली 5K से 10K तक बना सकते हैं,
ये असल बात है। देखिए दोस्तों, बड़ा ही आसान तरीका है यहाँ पर पैसे कमाने का, एकदम सिंपल स्ट्रेटेजी। हम सभी जानते हैं कि ग्रे मार्केट के हिसाब से यहाँ पर तकरीबन जो है 1060 से लेकर 1070 के बीच में लिस्टिंग हो सकती है, लेकिन मैंने आपको बताया कि तकरीबन ये जो लिस्टिंग है वो 1200 के आसपास होगी। खैर, इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको एग्जैक्ट अमाउंट नहीं भी पता है तो कोई बात नहीं। देखिए, आपका सिंपल ये फोकस होना चाहिए कि जितने में भी ये लिस्टिंग होने वाली है हमको उसके पास में बाइंग करनी है। आप कैसे पता चलेगा ये चीज के बारे में? तो मैंने आपको बताया टाइमिंग के बारे में कि 10 बजे आपको जो है इसकी लिस्टिंग होते हुए नजर आने वाली है। उसके पहले ही अगर आप जी बिजनेस देखेंगे या फिर जो भी आपका ब्रोकर होगा जीरोधा अपस्टॉक, वहां पर आपको प्राइस दिखना चालू हो जाएगा कि इतने प्राइस के अंदर ये लिस्टिंग हो सकती है अनुमानित। वहां पर भी कंफर्म आपको प्राइस पता नहीं चलने वाला, लेकिन यस 5-10 पॉइंट ऊपर नीचे चलेगा। तो सपोज मैं आपको प्राइस लेकर चलता हूं कि 1200 में जो है इसका लिस्टिंग हो सकती है। अभी हमने क्या करना है, अगर 1210 में लिस्टिंग होनी है तो मैं क्या करूंगा, मैं जो है 1220 का प्राइस लगा दूंगा बाइंग का। यस, मैं तकरीबन 50 स्टॉक, अभी देखिए यहां पर बात आती है कि आप कितने स्टॉक लेना चाहते हैं। जैसे कि मैं अपनी बात करूं, ज्यादा अगर रिस्क ना भी लूं तो 50 शेयर ले लूंगा मैं। आपके पास अगर कम पैसे हैं तो आप 25 शेयर ले सकते हो या फिर आप 100 शेयर भी ले सकते हो, ये टोटली आपके ऊपर है। लेकिन मैं एग्जांपल जो है वो 50 शेयर का देता हूँ, ठीक है। 50 क्वांटिटी जो है आपको इस अमाउंट पर बिट लगा देनी है। अभी ये बिट चेंज हो सकती है, राइट। आपको देखना है कि कितने पर ये स्टॉक जो है वो लिस्ट होने वाला है, उसके 20 रुपए ऊपर आपको बोली लगानी है बाइंग की, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि श्योर शॉट मतलब कन्फर्म्ड आपको ये स्टॉक मिल जाएगा। जैसे ही 10 बजे इसकी लिस्टिंग होगी वैसे ही आपका ये स्टॉक जो है आपके डीमैट अकाउंट में आ जाएगा, मतलब आप इसको बाय कर पाओगे बड़े ही इजीली। अब मान के चलते हैं कि आपकी जो बाइंग प्राइस है वो तकरीबन 1215 रुपए आई, या फिर जो भी 12, या फिर हम मान के चलते हैं 1220 रुपए ही आई, कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। हमने सिर्फ और सिर्फ अपने टारगेट को एकदम कंफर्म रखना है। जैसे ही ये 100 पॉइंट ऊपर जाएगा या फिर 200 पॉइंट ऊपर जाएगा, हम इसे निकाल देने वाले हैं। और दोस्तों, अगर आपको ये लगता है कि क्या ये 100-200 पॉइंट ऊपर जाएगा, तो मैं आपको एक छोटा सा टास्क देता हूं कि आप कोई सा भी आईपीओ भी रिसेंट टाइम का उठा लो, चाहे वो राउट मोबाइल हो, चाहे वो हैप्पीएस्ट माइंड हो, या फिर जितने भी आईपीओ जिनके ग्रे मार्केट प्रीमियम इतने अच्छे थे जैसे कि इसके हैं, तो वो कितने में ओपन हुए और उसके कितने ऊपर तक गए हैं, आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर कितने चांसेस हैं इस स्टॉक के ऊपर जाने के 100-200 पॉइंट। सो जैसे ही 1200 पॉइंट पर अपने बाय की, हमने ये करना है कि इसका सेलिंग प्राइस जो है लगा देना है 1420 का। यस, इसमें ज्यादा लालच करने की जरूरत नहीं कि अगर 1500, 1550 या 1600, बिल्कुल नहीं। आपने सीधा जो है इसका 200 पॉइंट ऊपर सेलिंग प्राइस लगा देना है। जैसे ही वहां पर जाएगा अपने आप स्क्वायर ऑफ हो जाएगा और आपके 50 × 200 कितना होता है आप सभी जानते हैं, 10,000 रुपए आप इजिली कमा पाओगे। अगर रिस्क कम लेना है तो क्या करो, 100 पॉइंट पे ही निकाल दो, मतलब 1220 पे आपने बाइंग की थी, भैया हमको 1320 पे ही निकालना है, ठीक है निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर इस केस में आपको जो है 5K का प्रॉफिट होगा, कोई बात नहीं। दोस्तों, प्रॉफिट जो है वो आपके रिस्क के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितना रिस्क ले सकते हो। अभी आप में से बहुत से लोग ऐसा ही बोलोगे कि चलिए कल का जो है मार्केट का माहौल उतना खास लग नहीं रहा है, तो हो सकता है कि ये जो स्टॉक है, ये जो आईपीओ है, स्टार्टिंग लेवल पर 1220 पे हम बाय कर लें और उसके बाद जो है ये डाउन चला जाए, बिल्कुल पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है। तो भैया थोड़ा बहुत तो रिस्क रहेगा ना, हम स्टॉक मार्केट में हैं। और रिस्क यहाँ पर हम इसलिए भी ले सकते हैं क्योंकि फंडामेंटली ये कंपनी बहुत ही शानदार है। अगर इनिशियल लेवल पर ये डाउन जाता भी है स्टॉक, तो मैं बताता हूँ कि बहुत ही जल्दी आपके पैसे रिकवर भी हो जाएंगे, बल्कि आपको यहाँ पर प्रॉफिट भी मिलने वाला है। और मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ कि ये वाली जो कंपनी है ना, 1220 जो मैं बोल रहा हूँ, इस प्राइस के ऊपर ट्रेड करती हुई आपको नजर आने वाली है अभी रिसेंट टाइम। बाकी दोस्तों, ये पूरी जो कंप्लीट स्ट्रेटेजी है ये एक लर्निंग प्रोसेस के लिए है। प्लीज मेरे कहने पर आप बाइंग और सेलिंग ना करें, इसको और एनालाइज करें स्ट्रेटेजी को और अपने हिसाब से कुछ नया आप डेवलप कर सकते हो। यहाँ पर मैं बाइंग और सेलिंग की आपको रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ दोस्तों ये कि लर्निंग पर्पस के लिए मैंने ये वीडियो बनाया हुआ है। आपकी जैसी मर्जी हो, आपको बाइंग करना है या सेलिंग करना है या फिर आपको नहीं करना है, ये कंप्लीटली आपकी मर्जी है। लेकिन दोस्तों, अगर आपको स्ट्रेटेजी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलना, पसंद आए तो डिसलाइक भी कर सकते हो। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में।